स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ाई की थी एडजॉर्प्शन चैप्टर्स के बारे में, उसी का नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन चैप्टर की जो बाकी थ्योरी है उसके बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपसे बताया था, हमने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है। अब उसका जो मेन कारण है, उसका जो मेन रीजन है कि एडजॉर्प्शन या अधिशोषण की प्रक्रिया होती क्यों है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो रीजन फॉर एडजॉर्प्शन हेडिंग डाल लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स लोग, इसका मेन कारण क्या है। देखिए, जैसा कि आपको डायग्राम मैंने बना रखा है, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कुछ लगातार घूम रहे हैं बाहर, ये अणु है, पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स रैंडमली घूम रहे हैं चारों तरफ, ये एक सरफेस है। अब होता क्या है कि सरफेस के अंदर भी एटम्स या पार्टिकल्स या मान लीजिए मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का सरफेस होगा, तो इस सरफेस के अंदर भी पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे। तो होता क्या है कि इनके अंदर जो पार्टिकल एकदम सेंटर में है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा या जो इनकी फोर्स होती है वो इक्वली चारों दिशाओं में ऑल डायरेक्शंस में एक जैसी होती है, इसलिए इनके सारे फोर्स एक दूसरे से काउंटर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स की बात करें जो सरफेस की लगभग बाउंड्री के पास है, जैसे ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे या नीचे नजर आ रहे होंगे, ऐसे पार्टिकल्स या एटम्स की अगर आप इनकी सिचुएशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके फोर्स कैसे हैं, अनबैलेंस्ड है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, काउंटर नहीं हो पा रहे एक दूसरे से। इस तरह के फोर्सेस को हम रेसिडुअल फोर्स बोलते हैं। आसान भाषा में इसको हम समझे तो जब कोई फोर्स अगर चारों तरफ से जैसे देख सकते हैं कि बैलेंस्ड नहीं है, तो इस तरह के हम फोर्सेस को हम लोग बेसिकली रेसिडुअल फोर्स या अवशिष्ट बल बोलते हैं, जिसकी वजह से इस सरफेस में अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। अब ये सरफेस के पास ही होते हैं क्योंकि सरफेस या बाउंड्री के पास में, इसीलिए ना, क्योंकि उनका जो टोटल फोर्स है वो एक डायरेक्शन से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहां पे क्या लिखा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इस अनबैलेंस्ड फोर्स में उस फोर्स की वजह से ही सरफेस के अंदर कैसी एक प्रॉपर्टी आ जाती है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, जिस वजह से वो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सो बेसिकली एडजॉर्प्शन का मेन कारण ये होता है कि एडजॉर्प्शन बेसिकली किसी सरफेस में जब रेसिडुअल फोर्सेस मौजूद रहते हैं, या जिन्हें हम आसान भाषा में अगर कहें तो फ्री वैलेंसीज या एक्टिव वैलेंसीज जहां पर होती है, वहां पर एडजॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। फिर ये मॉलिक्यूल क्या होगा, जो बाहर के मॉलिक्यूल जो बाहर रैंडमली घूम रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। तो मॉलिक्यूल का सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होना किस बात पर डिपेंड करता है, कि सरफेस हैज रेसिडुअल फोर्सेस विच इज अनबैलेंस्ड एंड हेंस सरफेस बिकम अट्रैक्टिंग इन नेचर। सो सरफेस अट्रैक्ट द मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटर साइड। सो बेसिकली सरफेस के पास रेसिडुअल फोर्सेस होते हैं, उन रेसिडुअल फोर्सेस या एफ्रीवेलेंसीज या मुक्त संयोजकताएं होती हैं जो कि अनबैलेंस्ड होगा, जिसकी वजह से सरफेस कैसा अट्रैक्टिंग इन नेचर हो जाता है। सरफेस क्या करेगा, मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखने लगता है, और इसी क्षमता के कारण क्या होता है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्टेड द मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटर साइड, जो बाहर सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो अपनी तरफ खींच लेता है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये समझ लिया होगा कंसेप्ट को, और यही इसका एक मेन रीजन होता है। ठीक, चलिए जरा इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, सभी लोग लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें
तो आप लोग एक बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं कि किसी कैटालिटिक रिएक्शन में कोई जैसे नाइट्रोजन ये गैस में होता है, ये एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की एक रिएक्शन है, एक प्रोसेस होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसमें अमोनिया गैस बन जाता है, साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है बिकॉज एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इसमें आयरन सॉलिड स्टेट में है, अगर हम आयरन का टुकड़ा इस्तेमाल करें तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि इफेक्टिव होता है आयरन का पाउडर, यानी कि हम इसको आयरन को क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं। पीसने के बाद क्या होता है, वो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगी, उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है। अगर केवल टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे तो उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि सरफेस एरिया होगा पाउडर्ड फॉर्म आयरन का, तो वो ज्यादा से ज्यादा जगह प्रोवाइड कराएगा किसको, एडजॉर्बेट को, जो बाहर से मॉलिक्यूल आने वाला है उसको प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें आयरन के पास ऐसी क्या खास बात होती है, अगर आयरन का एटॉमिक नंबर देखें 26 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये इसका एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहां पर क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ना कहके अगर आसान भाषा में और कहें तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इनके पास फ्री वैलेंसी होती है, इसीलिए इनके पास क्या होती है, एक्टिव फ्री वैलेंसी, जिनकी वजह से इनके पास एडजॉर्ब करने की पावर होती है या एडजॉर्प्शन फिनोमेना को जो है प्रोसीड करने के लिए इनको इनके पास इस चीज की एबिलिटी होती है। तो कैटालिटिक रिएक्शन में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है जिसमें आपका कैटलिस्ट सॉलिड इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप सभी लोग एग्जांपल उतार लीजिए सभी लोग, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको एडजॉर्प्शन का कारण समझ में आ गया होगा। फिर से बता देता हूं एक बार, कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर से नहीं समझ में आया फिर से बता देता हूं। एडजॉर्प्शन या पृष्ठ एडजॉर्प्शन या अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि किसी सरफेस के पास कितनी ज्यादा रेसिडुअल फोर्सेस या फ्री वैलेंसीज या सक्रिय संलग्नताएं हैं जिस पर वो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सके। किसी का सरफेस अगर भरा हुआ है तो वहां पर अट्रैक्टिव नेचर सरफेस का नहीं होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग। मैं से रख रहा हूं, तो जितनी भी कैटालिटिक रिएक्शन होती है जिनमें कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं ज्यादातर डी ब्लॉक के मेटल्स कैटालिटिक रिएक्शन में परफॉर्म आसानी से इजीली पार्टिसिपेट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से उनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी रहती है और वो एडजॉर्प्शन फेनोमेना में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। हेडिंग डाल दीजिएगा सभी लोग, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। अब टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, सपोज कोई एक सरफेस है, अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, अब एक मॉलिक्यूल का क्या होगा कि यहां से वापस आएगा और इसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा सरफेस के द्वारा, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अब सरफेस और एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच में एक क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनता है, यही जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड कह लीजिए या इसको क्या कह लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल होता है एक तरह का, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर ही हम एडजॉर्प्शन प्रोसेस को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग है, अगर बॉन्ड, सपोज कि बॉन्ड वीक है, बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड इज वीक, इफ बॉन्ड इज वीक देन फिजिकल एडजॉर्प्शन और इफ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन केमिकल एडजॉर्प्शन।
सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स इस चीज को लगातार लिखते रहे, बनाते रहे। नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं, किताबों से पढ़ना है आपको, और यहाँ पर आपको हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बेहतर ये होगा कि आप नोट्स अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश करें। ऑलरेडी हम वैसे इतना बता देंगे, लिखा देंगे कि आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको और डीप नॉलेज अगर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा आपको नोट्स पढ़ने होंगे, नोट्स बनाने होंगे, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तो वो एक इसको प्रोसेस में भी लेकर साथ में चलते रहिएगा। तो अब हम लोग समझ गए कि एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है। दो तरह का किस तरह से? पहला एडजॉर्प्शन है फिजिकल एडजॉर्प्शन, वो तब होगा जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट अधिशोष से अधिशोषक, यानी कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर आकर बैठेगा, उन दोनों के बीच में अगर वीक बॉन्ड बने। वीक बॉन्ड जैसे वंडरवॉल बॉन्ड हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या द्विध्रुव द्विध्रुव वाला आकर्षण बल होता है, तो उनके बीच में अगर उस तरह का मतलब वीक बॉन्ड है तो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है यानी कि केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो फिर कैसा बॉन्ड केमिकल एडजॉर्प्शन हो जाएगा, केमिकल एडजॉर्प्शन हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, अब हम लोग जानेंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन में भी मैंने बताया था कि जब वीक बॉन्ड बनेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, और जब भी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो केमिकल एडजॉर्प्शन, वो उस प्रोसेस के अंतर्गत वो आएगा। तो इनके बीच में एक डिफरेंस है। एग्जाम में आपसे ये डिफरेंस अक्सर पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा ये लगभग एक दो क्वेश्चन तो आ जाते हैं एडजॉर्प्शन चैप्टर में से, इससे रिलेटेड कि आपको दोनों के बीच में या तो डिफरेंस बताना होगा या इनकी डेफिनेशन बतानी होगी, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ फिजिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज है और एक तरफ केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज है। तो पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज को, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज को। इसमें पहला पॉइंट है, इट अराइजेस ड्यू टू वीक फोर्सेस। ये एडजॉर्प्शन वीक फोर्सेस की वजह से अराइज होता है, जो कि मैंने इसमें मेंशन कर रखा है कि वंडरवॉल फोर्स की वजह से, यानी कि बहुत ही वीक फोर्स होगा और जस्ट एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये वीक बॉन्ड की वजह से ही अराइज होता है। दूसरा पॉइंट है नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही नॉर्मल सी होने वाली घटना है। जैसे आप रोज अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो रोज आपके चेहरे पे डस्ट आएगी, या रोज गाड़ियों पे डस्ट पार्टिकल जमा होंगे, रोज जो है धूल आती है, तो ये क्या है, रोज होने वाली प्रक्रिया है, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक इन नेचर नहीं कहा गया। रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल का मतलब है कि आप रोज सफाई करिए, कल फिर गंदा हो जाएगा, फिर डस्ट पार्टिकल आएंगे। आप रोज सफाई करिए, रोज जो है डस्ट पार्टिकल हटाइए, उसके बाद फिर डस्ट पार्टिकल वापस उस जगह पर आ जाएंगे। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो का मतलब यहाँ पर सिंपली यही है कि जब भी किसी एडजॉर्बेंट पर, किसी सरफेस पर, किसी पृष्ठ पर अधिशोष से, यानी कि एडजॉर्बेंट का या जो आउटर मॉलिक्यूल है उसका एक मोल पूरी तरीके से एडजॉर्ब कर लिया जाए सरफेस के द्वारा, तो जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो भी एनर्जी को हम एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो का मतलब इसमें बहुत कम एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक बन रहा है। जब वीक बॉन्ड बन रहा है तो इतनी एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि बॉन्ड जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतनी ज्यादा जो बॉन्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए तो ये वीक बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड में एनर्जी कम है, इसीलिए इसको हम आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। एक बार मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुआ, हटा दिया तुरंत। अगर वही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो तो हम उसे हटा नहीं पाएंगे आसानी से। अगला है दो टेम्परेचर इज फेवरेबल। इसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन होने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर होना जरूरी है। अगर ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी और फिर वो क्या हो जाएंगे, उस सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसके लिए अलग से आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करने की जरूरत है कि नहीं आपको अलग एनर्जी देनी पड़े और मॉलिक्यूल जो रिएक्शन है या जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करना, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मली हमें ऐसे ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे शादियों में आपने देखा होगा पिक्चरों में कि वो थाली लेकर आते हैं और उसमें वो लेयर बना देते हैं लड्डुओं की, तो वैसा फिल्मों में ही होता है, असल में तो नहीं होता है। तो वैसे ही जैसे लेयर उसमें बनती है, ऐसे ही सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल की लेयर, मोनो लेयर जो है लगातार बनती चली जाएगी। लेकिन इसके केस में होगा क्या कि मॉलिक्यूल की लेयर तो बन रही है,
लेकिन जैसे जैसे लेयर बनेगी, जैसे जैसे लेयर बनती है, मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। तो सबसे नीचे वाली लेयर में मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे और जैसे जैसे लेयर बनेगी उसमें मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे क्योंकि सरफेस की कमी हो जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की तरफ। इट अराइजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। ये हमेशा तब देखने को मिलता है जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाता है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन में मेटल क्या करती है, गैस के साथ एक बॉन्ड बनाती है। और आपने देखा होगा कि मेटल जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती है। तो डोनेट करने की वजह से क्या है कि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक फोर्स एक तरह से क्रिएट कर देती है। तो वहां पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो गया, इसलिए केमिकल एडजॉर्प्शन। फिर क्या स्पेसिफिक इन नेचर, ये इतनी आसानी से नहीं होगा, इतनी आसानी का आसानी से मतलब ये एक स्पेसिफिक माहौल में ही ये इस तरह के एडजॉर्प्शन हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको हमने स्पेसिफिक इन नेचर कहा। इट इज इरिवर्सिबल। एक बार केमिकल एडजॉर्प्शन हो गया तो फिर जब तक हाई अमाउंट की एनर्जी जब तक आप उसे सप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो एडजॉर्प्शन वहां से नहीं हटेगा, उसका डिसॉर्प्शन इतनी आसानी से नहीं हो सकेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी आसानी से आप फिजिकल एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल को हटा सकते हैं, उतनी आसानी से केमिकल एडजॉर्प्शन में आप मॉलिक्यूल को हटा नहीं सकते। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई। एक बार जब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी लगभग 80 किलो जूल से लेकर 240 किलो जूल पर मोल तक हो सकती है। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। हाई टेम्परेचर इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल नॉर्मली टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशन पर इतने ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं होते हैं कि वो सफिशियंटली यू नो रिएक्शन कर सके। इसलिए क्या होता है कि इसमें हमको थोड़ी सी एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, हीट बढ़ाकर या मान लीजिए प्रेशर लगाकर। तो हमको टेम्परेचर इसके लिए क्या चाहिए होता है, फिर हाई चाहिए होता है। हाई एक्टिवेटिंग एनर्जी इज रिच है, एक्टिवेशन एनर्जी कर लीजिए वैसे। हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ताकि मॉलिक्यूल आसानी से कोलाइड करके केमिकल बॉन्ड बना सके। और लास्ट में है मोनोमॉलिक्यूलर लेयर। मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनती है इसमें। मोनोमॉलिक्यूलर लेयर का मतलब है कि सरफेस एक बार अगर है तो उसमें एक ही लेयर बनेगी, दूसरी लेयर इसमें नहीं बनती है। तो ये ओवरऑल आपका एक कंपैरिजन हो गया टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन में, जिसमें आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जितना भी आप सभी स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया है, आप लोग तो इसका रिवीजन कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, और कोई डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और साथ ही कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका फॉलो करिए, उनको फॉलो करिए, और साथ ही साथ भैया बहुत संभाल के रहिए, बहुत ज़्यादा माहौल खराब है, इसलिए घर में रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच।